हेलो नमस्कार, जोशी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं गौरव गुप्ता गोलू, और आप बिल्कुल भी एक लाइक नहीं कर रहे हैं, एक शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसे देख के क्या फ़ायदा। या आपको मैं पसंद नहीं आया, या हमारी स्टोरी पसंद नहीं आई। अगर आप ऐसे करेंगे तो प्लीज़ सॉरी यार, आगे से मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। सॉरी, मैं जा रहा हूँ। अरे 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 गुरु भाई, रुक जाओ ना गुरु भाई, कर लेंगे, सेटल कर लेंगे, तू टेंशन ले रहे हो। नहीं सेटल नहीं यार, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, तब तभी तो हमारा आगे बढ़ेगा। मैं इनके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। दुकान भाई गुस्से में है, गोलू भाई जा रहे हैं, तो कहे कि मैं गोलू भाई को समझाता हूँ। तब तक सुबह क्या हुआ, क्या रिकॉर्ड करा है वो देखिए, फिर देखते हैं क्या होता है, मतलब कैसे मैटर सॉल्व होता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं पवन दा। आए वाह यार, क्या लग रहा है। पहले सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी एक्सपीरिया Z2 क्या है? यह सोनी ZV Mark II। हमारी ऑडियंस ने गुरुजी को इतना प्यार दिया, इतना तो तुमने मेरे को भी नहीं दिया दोस्तों। मैं अभी भी इसे बना रहा हूँ वीडियो। मैं आईटी वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार जरूर इनके प्रतिष्ठान में आए, विजिट करें, छापे मारे दोस्त कि ये आ कहां से रहा है। पवन दा को घर से बाहर निकाल दिया गया है। ये देखिए यहाँ सामान की रखी है ट्रॉली, ये सामान रखा हुआ है। ये जो खुशी दिखा रहे हैं खुशी नहीं है, इनके चेहरे के पीछे गम है। गम है लेकिन मैं बता नहीं सकता, पर एक पब्लिक फिगर का यही होता है ना, जैसे हार्दिक पंड्या का है, उनका अभी तलाक पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं, ऑफिशियल वो नहीं है, लेकिन लोगों ने कैसे कैसे कयास लगा ली। तो सेम यार गाइस, क्या कर सकते हैं, जो गुरुजी के बड़े भैया वो भी बहुत खुश है, आप देख सकते हैं। आजकल ऐसा भाई कहाँ होता है जो अपने भाई की तरक्की से खुश हो दोस्तों। दोनों भाइयों में राग पड़ा होता है दोस्तों, लेकिन उनको देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं। प्लीज उनके लिए एक लड़की ढूंढिए दोस्तों, अष्टम मंगली है, सप्तम मंगली लड़की चाहिए दोस्तों। तो आज क्या है कि भाई की शादी के लिए जो लड़की चाहिए वो भी पवन दा ने अपने मुँह से बता दी है। तो अगर कोई हो, कहते हैं सुयोग्य कन्या होनी चाहिए और मृदुभाषी होनी चाहिए। मैट्रिमोनियल साइट यहाँ चल रही है, इनके लिए कोई विधायक की बेटी देखनी पड़ेगी क्योंकि ये MBPG के सांस्कृतिक सचिव हैं दोस्तों, और बहुत ही संस्कारी बालक हैं, और नेताओं जैसे नहीं हैं दोस्तों। ये तो सच्ची इनकी अभी तक शीडी भी नहीं बनी है दोस्तों। चप्पल के अंदर हो सकता है कि स्मगलिंग करी हो बीच में चप्पल में सोने के बिस्कुटों, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। चप्पल बहुत मतलब ये समझ लो हमारे दिल से जुड़ी, हमारे बड़े भाई के सौजन्य से मैं इनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नेता जी, बस बस हो गया, बस कंट्रोल लेता जी। मतलब गाइस नेता को मार खाते हुए देखी है। तो मम्मी पवन दा आए हैं, क्या खिला रहे हो? पवन दा को खिलाऊंगी भात, ये भिंडी की सब्जी, ये साग सूप, भिंडी, ये बस वो साग सूप, ये सब्जी दाल, ये लो रगी ताजी ताजी मेरे को देना, बासी बासी खिलाना। हां हां चल चल, तो मैं ही वही तो अल्लाह भात चल सीधा जालो जो फुर सारी अपन घर। हाँ वही तो, काम तो मैं आऊंगा ना। हाँ सही बात है, आज आज मैं भी आऊंगा काम, खाना खा रहा हूँ तुम्हारा, मैंने नमक खाया है भैया, मैं भी आऊंगा, ऐसी बात नहीं है। कैसा लगा तुम्हें खिला के? ऐसे भला लग रही। यूट्यूब में तुम देखते, कैमरे स्क्रीन से निकाल के यहाँ पर टेबल पे रख दिया है। वही तो, बहुत बढ़िया हो रहा है। आज मेरे को एक नई डिश भुजकी, बड़ी भुज समझते हो ना दोस्तों, जो इससे पेठा बनता है हमारे पहाड़ों में होता है गोल गोल कद्दू जैसा, उसको कद्दूकस करके ये बड़ी बनाई जाती है भुजकी। ककड़ी की बड़ी की झोली मेरे को बहुत अच्छी लगती है, भुजकी भी बहुत बढ़िया होती है। तो ये तो मैं सौभाग्य है, क्या भी सौभाग्य है, अपने दीदी के वहाँ लंच कर रहा हूँ मैं। ये सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ है कि दोनों की श्रेणी में इसमें उनका भी क्रेडिट है, उनको भी है। हम अपने दोनों घर वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप जहाँ भी हो सुखी रहो, अच्छे से वही रहो, हम भी सुखी है, खुश रहो। पैचअप गुलू भाई, पैचअप तो हो ही गया है ना? नहीं पैचअप हो गया, ये चीज अलग है, लेकिन हाथ जोड़ के आपने आप कह दिया, रिक्वेस्ट कर दिए। हाँ। अब ये लोग करेंगे ना, लाइक करेंगे, बस भाई इतना ही। आप कौन है, मिलने कौन है? हाँ आई आई, एक जना ये आपसे मिलवाता हूँ मैं आपसे। हाँ। ये हमारी खास बहनी बागेश्वर से आई हुई है, जो सी स्टोरीज देख के आइए, मैं आपसे मिलवाता हूँ। दीदी से मुलाकात कर, दूसरी मुलाकात है, क्योंकि पहली मुलाकात में कैमरा था ही नहीं, और मैं यही सोच रहा था कि यार कैमरा क्यों नहीं था। मैं सोच रही थी मेरा भैया कैमरा तो लाए नहीं है ना हमारी, उसमें भी अब आपका ब्लॉग हमें बहुत बढ़िया लगता है, हम लाइक भी करते हैं आपको, आपके परिवार मतलब अच्छा, आपकी मिसेज अच्छा, आपका बच्चा अच्छा, आप अच्छे, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। और ये दूसरी है दीदी हमारी बागेश्वर की है, और ये पूरे 4 लाइक करेंगे, 4 सब्सक्राइब करेंगे, इन्होंने पहले ही वादा कर चुका है। ये चार्जू है, हम नाम तो बता दीजिए पूरा। मैं मीना तिवारी हूँ, बागेश्वर कांडा की हूँ मैं।
और यहाँ हमारे जज फार्म में हमारा घर है। ये लोनी जू है और पेपर तोड़ना चल रहा है स्कूल में टीचर के सामने बोलते हैं अरे हाँ मैं ये हूँ मैं जोर से बोलो चलो जय माता दी। तेरे मन में जो खसखसी चल रही थी वो खत्म हो गई यार। हाँ। मैंने तो घर जाके भी कहा मैंने कहा आज उनसे मिलके आई हूँ मैं तो मैंने तो अपनी नजर लोग से कहा मैंने कहा उनसे वो भी देख लिया ये भी लोग देखेंगे सामान भी खरीद लिया तुम्हारे दो लाइक के चक्कर में पैसे का नुकसान हो रहा है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी पर्दों में इनको आपको ही पकड़ इनको ही इनको पकड़ना पहले इनकी गारंटी मैंने डाल ली है। अच्छा लगा तुम्हें मिल गया बहुत अच्छा लगा। अच्छा ऐसा लगा जैसे पता नहीं जैसे मेरे को इन लोगों ने हीरो बना दिया माखी का। मैं पहला कभी मतलब इतना वो नहीं थी फ्रेंड्स फॉलोइंग जितनी बढ़ चुकी है इतनी तो उसमें नहीं मिली किसने इतना तो मैं व्यापार मंडल का इलेक्शन जीता हूँ उसमें नहीं मिली माखी का जितनी इसमें मिल गई है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ऐसा होता है ना बात क्या होता है देखो जो टैलेंटेड होता है उसका टैलेंट कहीं ना कहीं छुपा जरूर रहता है लेकिन उभर के आता है। छुपा हुआ था मेरा वो आगे वापस यही तो बस मेरे घर वाले नहीं पहचान पा रहे बाकी का तो मेरा टैलेंट छुपा हुआ नहीं तो बचपन से मैंने छुपन छुपाई के लिए ये साला कहीं और छुप गया जाके। लेकिन घर वाले ना इनसे देख देख के भागते हैं नहीं लो ये तो बेकार है ये मैंने कहा नहीं इसकी हंसी देखो ना ये अरे यार बोले हंस भी नहीं सकता ये हंसी वाली नहीं है ना इसमें मजा ही नहीं आ रहा। ठीक है हमारा बल्ली भैया क्या तकलीफ है भाई साहब कोई तकलीफ है आपको तकलीफ है तुम्हें तो डॉक्टर हो कल हुए हम इलाज कर देंगे तुम्हारा इलाज मुझे गोरा होना है फेरम लवली लगा लो फेरम लवली का तो तुम्हें ऐड मिला है मुझे पता चल गया माँ के फेरम लवली वालों ने इन्हें 10 लाख रुपए का ऐड दिया पता है इसको देख के दिया कि ऐसा गोरा हो जाएगा फेरम लवली वाले गोरे की देखिए जरा टीवी में ऐड नहीं चल रहा भाई साहब लिफ्ट दे दो यार उसने कहा नहीं दे सकता पीछे कोई बैठा हुआ है कौन है पीछे बल्ली बैठा इतना भुजंड काला है बाकी का देखते हैं इसे सबसे ज्यादा लाइक किसको मिलेगा मुझे मिलेगा तुझे मिलेगा मिलेगा देख सोने की चैन पहना है भैया तो घर वाले ने छील लिया चैन पे बात है तुम्हारी चैन का है मेरी चैन तो ना टूट गई टांका लगने को गई है अरे खीरा जपटी में टूट गई रात में भाई से झगड़ा हुआ ना खीरा जपटी में टूट गई लाटे सही बात है वो दरअसल ऐसा बोला चैन टूट गई सर तो वो टांका लगने गई है अभी आपको मिलेगी एक घंटे बाद नहीं नहीं आज नहीं मिलेगी एक हफ्ते बाद मिलेगी वाइफ के पास ये जासूस होना ही वो है क्या कहते हैं मुखबर तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना हमारे जो है फेमस है इनके लिए देखिए हम इतनी बड़ी छाता है छाता लेके इनको धूप में ना लगे नहीं तो काले पड़ जाएंगे हमारी तरह मेरा ये बोल तो बलि आएगा इतनी बड़ी छाता इतनी बड़ी भी इस बाजार में आएंगे यहाँ पर देख लीजिए तो आपको ना सब कुछ मिलेगा अगर आपके बच्चे को खिलौने चाहिए आपके बच्चे को खेलना है तो सामने हमारे रविंद्र स्पोर्ट्स है घर में पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए तो हमारे बली भाई के पास आ सकते हैं घर को सजाना है तो गोलू भाई हैं आदमियों को सजाना है बैगों को सजाना है तो देवा है और आपको खुद अगर सजना है या फिर आपको क्या अपने कुछ लेना है तो वहाँ है रेड डायमंड कलेक्शन इसके अलावा गोलू भाई बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी है यहाँ पर और साड़ी कलेक्शन हाँ और अगर साड़ी लेनी है तो सामने साड़ी महल है तो एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ मिलेगा आपको सब कुछ है ना वन बैग आप यहाँ आए यहाँ पर कुर्सी लगाएंगे आपके लिए आप ऑर्डर देंगे सारे दुकानदार कहेंगे आपको सामान हाथ यहीं पर माल दिखाएंगे। और जैसे जैसे आपने कहा कि हम जोशी स्टोरीज देखते हैं आपने तारीफ कर दी तो फ्री 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 गोलू भाई की दुकान पे पर्दे फ्री पर्दे फ्री गोलू भाई की दुकान पे फ्री 10 पे 1 10 पे 1 भाई मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता कौन मैं नहीं फ्री दे सकता मेन ऑनर तो तुम ही हो मालिक तो अरे मैं जोशी स्टोरीज का वहाँ कैसे कर दूंगा वहाँ का होगा तो कैमरे कैसे आएंगे तो मैं भी तो यहाँ पे जॉब ही करता हूँ मालिक साहब के पास आया दूसरे मालिक बन जाते हैं ये कहते हैं लौंडा है मैं तो लौंडा हूँ दुकान का मुझे क्या पता क्या मालिक है मालिक से आप सभी को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लेके जाना है पर्दों में सिर्फ पर्दों में बाकी सब जगह फिक्स प्राइस बाकी आप जोशी स्टोरीज बोलेंगे जहाँ जो प्राइस है वही मिलेंगे आपको आपको ज्यादा प्राइस नहीं देंगे कोई भी सही रहेंगे जो प्राइस ओरिजिनल है वही मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल।